भगवान मना नहीं करते तुम्हें देने के लिए, क्या तुम अधिकारी हो? यदि भगवान तुम्हारी औकात से ज्यादा पैसा दे दें, भगवान तो चाहते हैं मैं सबको धनवान बनाऊं, लेकिन भगवान तुम्हें धनवान बना दें तो तुम करोगे क्या? आज तुम 50 रुपए का पौआ पीते हो, फिर 500 रुपए की शराब पीने लग जाओगे। तुम्हारी औकात कहां है पचाने की? तुम तो हैंग हो जाते हो ना। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आया तो महंगी शराब पीने लग जाते हो, ज्यादा पैसा आया और ज्यादा मांस खाने लग जाते हो, ज्यादा पैसा आया और बड़े वार में जाके डिस्को करने लग जाते हो, और ज्यादा पैसा आया बड़ी बड़ी वैश्याओं के पास जाने लग जाते हो। तो भगवान तुम्हें क्यों देंगे? तुम्हारी औकात ही नहीं है धन को बचाने की। ईश्वर औकात से ज्यादा नहीं देता, उसे पता है कि तुम कितना बचा सकते हो, है ना। इसलिए भगवान तो दोनों हाथ पसारे खड़े हैं, ले लो मेरे से, क्या तुम उस धन का सदुपयोग कर पाओगे? जो तुम रोते हो भगवान पैसा नहीं दे रहे, पैसा धन तुम्हें धन्ना सेठ बना दें तो तुम आज बौखला जाओ। ईश्वर थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं सब चीजें, किसे पैसा देना है किसे नहीं देना। तो भगवान तो तैयार है कि आप लो धनवान बनो, पर धनवान होकर क्या आप सेवा कर पाएंगे? या तो धन्ना सेठी के अभिमान में डूब जाएंगे। आजकल पैसा आता है आदमी के पास तो बड़ी गाड़ी लेकर बड़ा बंगला बना के, और वो बात भी नहीं करता, जिनसे राम राम करता था उनकी तरफ देखता नहीं है। भगवान समझ लेते हैं कि ये पचा नहीं पाएगा। मोबाइल में उसकी क्षमता से ज्यादा चीजें डाउनलोड कर दो तो मोबाइल हैंग हो जाता है, तुम्हारी भी औकात से ज्यादा आता है, तुम भी हैंग हो जाते हो। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि तुम हैंग हो, इसलिए ईश्वर उतना ही देते हैं जितना तुम, और भगवान उन्हें देते भी हैं जो सदुपयोग करते हैं। अब देखिए ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आप लोग सहयोग करते हैं तो यहां पर गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से शाम तक सेवाएं होती हैं। ईश्वर ने यदि 2 पैसा दिया है तो ये दास उसे सेवा में जोड़ रहा है, सेवा से जोड़ रहा है। कोई भी आ जाए भरपेट भोजन मिलता है गौरी गोपाल आश्रम में, 272 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। तो धन दिया ईश्वर ने, यदि धन आया तो उसका सदुपयोग करना कैसे सीखना है वो आप सीख सकते हैं। आप भी अपने, यदि आपको पैसा दिया भगवान ने, आप भी गौशाला बनवा लो छोटी सी, 10-20 गायों की सेवा करने लग जाओ। आपको भी भगवान ने पैसा दिया है तो दीन दुखियों की सेवा करने लग जाओ। आप भी 2-4 कमरों का वहां जरूरतमंद के लिए ठिकाना बनवा दो कि भाई जो नहीं है किसी को रहने की जगह। अब गांव में शहरों में ऐसे लोग आज भी हैं जिनका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, और वो अकेले रह रहे हैं। अब ना उनके पास रोटी बनाने की शरीर में शक्ति है और ना तो 2 पैसा आए हैं। अब ऐसे लोग बहुत लोग हैं संसार में पड़े हैं। तो 2-4 लोगों की हमने 262 माओं की सेवा, 72 माताओं की और 1000 माओं के लिए आश्रम बन रहा है। तो आप 2-4 लोगों की आप भी करो, आपके आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं आप भी उनके सहयोग में लग जाओ। से शराब पी लेते हो तुम लाखों की साल भर में, इस इतने पैसे से तो कितनों की सेवा हो जाएगी? एक आदमी को दिन भर में कितने रुपए का खाना लगता है? अधिक से अधिक 100 रुपए में दिन गुजर जाएगा साहब। क्यों भैया? 50 रुपए का सवेरे खाएगा आदमी, 50 रुपए का शाम को, दाल चावल सब्जी रोटी 5 रोटी खाएगा आदमी, खाएगा दाल, खाएगा चावल, खाएगा सब्जी, खाएगा 50 रुपए में आ जाएगी, और लो तो 70 रुपए की आएगी। अच्छा करना है तो, वरना 50 में भी पेट भरता है, बोलो हाँ। तो एक आप, तुम शराब कितने की पीते हो रोज? 100 रुपए की पी जाते हो रोज, या 200 रुपए की पी जाते हो, या 500? अरे 500 रुपए की तुम शराब पी जाते हो, उस 500 रुपए में तो 5 लोगों का दिन भर का पेट भर जाता, दोनों टाइम का।